मारतो गुंडा हाउ। तो फिलहाल जो है कि गौ माता की पूजा जो है वो हो गई है समाप्त। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, क्या हम सब कैसा है, आई होप आप सब मौज में हो। मैं एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल आज का सीन कुछ है कि अभी हम जा रहे हैं एक बुल देखने के लिए। पिछले दो चार ब्लॉग में आपने देखा होगा एक बुल भी लेके आए थे हम, लेकिन उसने ब्रीडिंग नहीं की और बहुत सारे दोस्त ने बोला था कि एक अच्छा वाला बुल लेके आओ। तो आज का जो बुल दिखाने वाला हूँ काफ़ी हद तक कतई शानदार है और अलग ही लेवल का है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसे कलर का देखा है, मुझे काफ़ी पसंद आ गया है। और सीन ये है कि वो जो बुल है यहाँ गुजरात में नहीं रखना है, उसे लेके जाना है महाराष्ट्र में, क्योंकि सुरेश भाई का मुझे कल फ़ोन आया था कि अब ऐसे भी तू जो है कि गुजरात की जो अपनी गाय लेके गया तो पूरी छोड़ने के लिए महाराष्ट्र आ ही रहा है, तो बोले एक अच्छा वाला बुल लेके आ, क्योंकि जो अपना गड्ढा है तो ब्रीडिंग करता है नहीं। और जो गोटिया है, गोटिया का क्या सीन हो रहा है कि वो बाजू में मामा का घर है, तो बहुत बार क्या होता है कि उसको जब भी उसकी मर्जी भाग जाता है सीधा मामा के वहाँ। तो अगर हमारे यहाँ एक दो गाय अगर हिट पे है तो ब्रीडिंग नहीं करता, सीधा मामा के यहाँ भाग जाता है। कभी भी मामा के घर से सीधा हमारे घर से मामा के घर, एक जगह वो टिकता ही नहीं है। और गड्ढा जो है कि वो हो गया है बुढ़ा। और अगर हमारी जो गाय है एक साथ अगर दो चार गाय हिट पे आ जाए तो फिर भी वो ब्रीडिंग नहीं कर पाता है। तो सुरेश भाई बोले एक अच्छा वाला जो बुल है उसकी हमें जरूरत है, तो ये जो वाला बुल है वो मैं देख के आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला जो बुल है वो मैं आपके साथ भी एक ब्लॉग बना के शेयर करूँ, जो कि आप कमेंट करो कि हाँ अच्छा है या नहीं है। अगर आप बोलते हो कि हाँ अच्छा है तो हम ये वाला जो बुल है उसको लेके महाराष्ट्र में लेके जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ने मुझे बोला ही है कि हाँ हमारा भी बुल लेके जाओ। और तो यहाँ पे जो बहुत सारे दोस्त है वो बोल रहे हमें पैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है जो हमारा बुल है वो एक अच्छी जगह पर जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर उसका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि सुरेश भाई, माला भाई, हरी भाई सबको पता है, क्योंकि वो पहले से हमारे जो ब्लॉग देखते थे या इंस्टाग्राम पे रील देखते थे, तो उनको पता है कि हम गाय जो है कैसी रखते हैं। तो अगर कोई भी हो तो यही बोलता है, क्योंकि वहाँ पे देखो अगर गाय जो रखते हैं उनका एक ही सोच होता है कि हमारी अगर गाय या बुल अगर किसी को दे तो उसका सामने वाला ख्याल रखे, उसको टाइम पे खाना दे, टाइम पे पानी दे, और टाइम पे उसको इस जगह से उस जगह पे चेंज करे, क्योंकि उनको टाइम टाइम पे खाना पीना चाहिए। और जो गाय रखता है उनको बहुत इनका ख्याल रखना होता है, तो वो सोच समझ के ही सामने वाले को देते। तो सबको पता है कि अगर हमारे यहाँ अगर यहाँ गाय या बुल दोनों में से कोई भी आता है तो उसका वो 50 हो या 100 या 150 हो सबका एक समान ही ख्याल रखा जाता है। और काफ़ी हद तक कतई शानदार है, अलग ही लेवल का है, उसकी ऊंचाई भी काफ़ी है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर है, क्योंकि बुल जो होता है वो अगर आप अच्छी नस्ल का लेते हो तो उसकी जो बच्ची आती है वो भी अच्छी नस्ल की आती है, तो वो भी दिखने में काफ़ी हद तक शानदारी होती है। तो जो गाय रखते हैं उनका एक ये होता है कि हाँ हमारे जो गाय की छोटी छोटी बच्ची आई वो भी एक अच्छी नस्ल की हो और दिखने में काफ़ी शानदार हो ऐसा। तो बुल में क्या होता है कि बहुत सारे नस्ल के बुल्स होते हैं। अभी ऐसे देखा जाए तो काबरा नस्ल का बुल होता है जो गिर में, फिर लीलड़ा होता है। अपने जो गिर गाय में ऐसे देखा जाए तो 51 प्रकार है गिर गाय में अलग अलग प्रकार के। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो लीलड़ा है, बोले तो प्योर लीलड़ा नहीं है वो, लेकिन वो जो जिसका बुल है वो भाई बोल रहा है कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसकी जो भी बच्ची आती है वो लीलड़ी ही बच्ची आती है। और लीलड़ी आपके पास महाराष्ट्र में दो बच्ची है छोटी छोटी, आपने भी देखी होंगी। तो मुझे लीलड़ी बच्ची जो है बहुत पसंद है, तो मैंने बोला ठीक है तो आज देख के आएंगे और आपको भी दिखाएंगे, अगर उनका और हमारा व्यवहार हो गया तो वो वाला जो बुल है उसको लेके जाएंगे। तो आज है धनतेरस, तो आज जो है कि हमारे गौ माता की पूजा भी करनी है। और आज जो ये वाला ब्लॉग है वो एक दो दिन लेट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला हूँ तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है एडिट वगैरह करने में, तो ब्लॉग जो है लेट होगा। लेकिन आज जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ उस दिन धनतेरस है, बाद में अभी दो दिन बाद आए या चार दिन बाद आए वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो मुझे एडिट करने में टाइम मिलता नहीं है। धनतेरस के दिन क्या होता है कि सब धन की पूजा की जाती है, लेकिन हमारे लिए तो धन हमारी गौ माता ही है। तो पहला हम जो एक मान सम्मान देते हैं वो हम गौ माता को पहले से देते आ रहे हैं और अभी भी देते हैं। तो अभी फटाफट से जो है कि गौ माता की पूजा कर लेते हैं, फिर इनको चारा करेंगे, चारा करने के बाद फिर जो वाला बुल है वो बुल देख के आएंगे, अगर उनका और हमारा व्यवहार हो जाता है तो वो वाला जो बुल है वो खरीद लेंगे और उसको लेके जाएंगे महाराष्ट्र में। चलो फटाफट से अभी चारा कर देते हैं, पहले पूजा करते हैं फिर चारा करते हैं फिर तुरंत निकलते हैं। तो इसमें है कुंकू, तो पहले तो पूरी जो गाय है उनको टीका लगा देंगे, फिर जो है कि उनकी सिंग पे तेल लगा देंगे।
रुक जा अबे कुंकू है कुछ नहीं है, रुक जा गोदी अबे रुक। रुक जा। तो अभी जो है कि जो पूरी गाय है उनको जो उनके सिंग पे तेल लगा दिया है। इसको तो सिंग ही नहीं है तो इसको कहाँ से तेल लगाऊँ, जर्सी। तो बाकी जो गाय है सबको हमने तेल लगा दिया है। अभी जो है कि कुंकू से सबको अभी टीका कर देते हैं। अभी रुकना। तो अभी तेल लगा दिया है तो अभी सभी को जो है कि कुंकू का एक एक टीका लगा देते हैं फटाफट से। फिर इनको करेंगे चारा, क्योंकि अभी जो ट्रैक्टर है वो मैं और विजय भाई दोनों गए थे तो ट्रैक्टर जो है हरा चारा का भर के आए हैं। तो पहले तेल लगा दिया है, अभी कुंकू लगा देते हैं, फिर इनको करेंगे चारा और फिर निकलते हैं। तो सभी गाय को जो है कि कुंकू लगा दिया है, अभी थोड़ा सा गुलाल डाल देते हैं। तो फिलहाल जो है कि गौ माता की पूजा जो है वो हो गई है समाप्त। माथे पे लगाया है कुंकू का तिलक और उनके सिंग पे लगाया था तेल और उनके ऊपर जो है कि वो डाला है गुलाल। ए बदतमीज मेरे को काट लिया इसने, काट लिया। चलो तो अभी इनको अंदर ले लेंगे, फिर करेंगे चारा। चारा हम सुबह ही काट के लेके आए क्योंकि आज इनकी पूजा करनी थी, तो चारा लेने के लिए हम बहुत जल्दी गए थे। तो अभी फटाफट से चारा कर देते हैं। तो फिलहाल जो है कि इनको चारा कर दिया है, अभी यहाँ पे जो भी काम था हो गया है ख़त्म। अभी फटाफट से खाना खाते हैं और तुरंत ही निकलते हैं। तो फिलहाल जो है कि खाना पीना हो गया है, अभी चलते हैं सीधा बुल देखने के लिए और आपको भी बुल दिखाएंगे। बुल कैसा है आप नीचे कमेंट में जरूर बता देना। अगर उनका और हमारा व्यवहार हो जाता है तो वो वाला जो बुल है हम लेके जाएंगे। और विजय भाई का काम खत्म हो गया है और विजय भाई तो अभी रास्ते पे जाके ब्लैक पेंथर लेके वहाँ पे खड़ा है। कब का बोल रहा है चल, उसको भी गाँव में थोड़ा सा बहुत काम है और विजय भाई को भी वो बुल दिखाना है। तो मैंने बोला क्यों ना उसका थोड़ा सा ब्लॉग बना के आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि मैं एक बार देख के आया बुल, मुझे पसंद है। लेकिन अभी उन्होंने उसका रेट नहीं बताया कि कितने में उनको बेचना है वो। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को ऐसे भी बोला है कि हमारे लेके जाओ, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे बुल की उम्र ज़्यादा है। हमें 2 से 2.5 साल के बीच में जो बुल हो वो लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो वो अगर ये वाला जो बुल है ये अगर उन्होंने हमारे रेंज में आ जाए तो ये वाला ही लेके जाएंगे, अगर नहीं तो फिर हमें दूसरा ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे बुल हैं, अभी देखते हैं ये वाला, तो फिलहाल देख के आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए अभी फटाफट से। विजय भाई जो है कि एकदम गाड़ी तो रस्ते पे लेके आ गए, अरे वहीं पे खड़ा नहीं था ना विजय भाई, तेरे को बहुत गाय है। ठीक है चल, चलो अभी फटाफट से चलते हैं और देख के आते हैं। मार तो मुंडा हो जो तू उभो तो कर घी शिपुट पड़ो डांडो धोई लेना। तो मारना गोल चक्कर मारना, अरे डांडो डांडो से जर्सी गाना यो लागे ना ना डा डांडा में यो विजय ने हूं खबर है ना ओला न थोला वाल न थी ने यार हां कैसे नहीं डाला कैसे न सु दे कैसे न से बांधो। हाइट हाई बरोबर जग जग जोग राणा એલા જોઈ આગળ ગણો મિંડો ના ના મારતો સમજો ઉસ ના ના મારતો ને મંડી લાગે ના ના આ ઓજણે ઓલું થાય ને એનું કે
भड़क है तुम्हारे आखल जो आया था यहाँ मंडिया साहब पियो नहीं खुटे रियो अरे कने थारे ये पूरा थई गयो ना कुड़ कदो है गोरा बरे पाई के भारी होता बरे पाई के भारी होता। तो फिलहाल जो है कि तो गाय ने चारा वगैरह खा लिया है और अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, बुल देख के आए हैं। तो अभी जो वीडियो है सुरेश भाई को भेज दिया है, अभी सुरेश भाई देख के फिर हमें बोलेंगे कि हाँ पसंद है या नहीं। बाद में उनको पूछेंगे कि भाई कितने में आपको बुल जो है सेल करना है, बाद में अगर उनका और हमारा व्यवहार हो गया तो वाला लेके जाएंगे। और आप भी कॉमेंट में हमें बता देना बुल आपको कैसा लगा। सुरेश भाई को मैंने वीडियो भेज दिया लेकिन सुरेश भाई अभी ऑफलाइन है, जैसे ऑनलाइन आएंगे तो वो बुल देख लेंगे, फिर वो भी कॉल करेंगे और जिसका बुल है वो भाई भी हमें बाद में कॉल करके उनका रेट बता देंगे। चलो अभी वेट करते हैं। तो फिलहाल जो है कि यहाँ पे मिल्किंग का काम हो गया है खत्म और वो जो वीडियो क्लिप और कुछ फोटोज जो थे वो सुरेश भाई को मैंने भेजे थे बुल के, तो सुरेश भाई बोला कि हाँ बुल जो है वो मुझे पसंद है, बोले लेके आऊँ। तो अभी सुरेश भाई को भी पसंद है और आपा को भी मैंने बताया था कि कैसा है, तो आपा बोले हाँ ठीक ठाक है, बोले अच्छा है, बोले तो बुल जो है वो पसंद है, चलेगा क्योंकि आपने भी देखा है। और आप भी कमेंट कर देना कि कैसा दिख रहा है, क्योंकि हमें बुल अच्छा है तो ही उसकी जो अगली जो नस्ल है वो अच्छी आएंगी, तो इसकी वजह से हमें बुल अच्छा लेना है। तो ये वाला बुल कैसा लगा ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना। उनकी और हमारी बात नहीं हुई अभी तक कि आपको कितने में देना है, तो अभी मैं शाम को फ़ोन कर दूंगा या तो सुबह जाऊंगा फ़ोन कर दूंगा। अगर उनका और हमारा व्यवहार हो गया तो पहले तो मुझे वो जो बुल है वो यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ जो ये गाय पूरी भरनी है, तो ये गाय अगर पूरी भर के फिर उनके घर पे जाना पड़ेगा बड़ी गाड़ी लेके, फिर वहाँ पे दिक्कत होगी घुमाने में, वहाँ पे जगह भी कम है तो गाड़ी वहाँ पे उसका टर्न नहीं बैठेगा। तो पहले तो अपना बोलेरो है वो लेके जाएंगे, वो वाला जो बुल है बोलेरो में यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से पूरी गाय और बुल सब साथ में भर लेंगे और यहाँ से सीधे निकलेंगे महाराष्ट्र। तो अभी जैसे ही हमारा व्यवहार हो जाता है तो उसका ब्लॉग तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।